डॉक्टर विजय वाघमारे, निदेशक केंद्रीय कापूस अनुसंधान संस्थान नागपुर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। ये 1976 में इस्टेब्लिश हुआ नागपुर में और इसका प्रक्षेत्र कभी करीब 400 एकड़ का है और यहाँ पर कपास के बारे में जो बेसिक और स्ट्रैटेजिक रिसर्च, एडॉप्टिव रिसर्च ऑन प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन और फाइबर क्वालिटी और बाय प्रोडक्ट्स कॉटन के, इसके ऊपर किया जाता है, जिसमें कपास की जो नई वेरिएबिलिटी है उसके ऊपर भी स्पेसिफिक फोकस देके उसका जो वेराइटीज़ है वो लोकेशन स्पेसिफिक एडॉप्शन के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो कपास का रिसर्च, इसका कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग भी करते हैं और साथ में जो तकनीकियाँ, जो टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है वो किसानों तक पहुँचाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, जो मतलब जो राज्य के कृषि में काम करने वाले अधिकारी हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, उनको ट्रेनिंग देना, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग और इवन किसानों को भी उनको ट्रेनिंग देके जो तकनीकियों के बारे में जानकारी देना, उनके खेत पे डेमोंस्ट्रेशंस करना और नई नई तकनीकियाँ और संशोधन के बारे में अवगत करना कराना, ये संस्थान का मुख्य कार्य है। कपास के क्षेत्र में ये संस्थान जब से स्थापित हुआ है 1976 में, तब से करीब 33 वेराइटीज डेवलप हुई है, 6 इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स डेवलप हुई है। बारबाडेंस की एक वेराइटी सुविन नाम से 1978 में डेवलप की गई है और इसके अलावा जो जर्म प्लाज्म हम मेंटेन करते हैं, जो वेरिएबिलिटी है कॉटन में, वो जनन द्रव्य जिसको हम बोलते हैं, वो करीब 12,330 ये संख्या में हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं। और भारत में जो कपास उगाने वाले राज्य है, यूनिवर्सिटीज़ है और यूनिवर्सिटीज़ में जो कपास का कपास के विकास के लिए काम किया जाता है उनको भी ये जनन द्रव्य का सप्लाई किया जाता है। हमारा संशोधन किसानों तक पहुंचाने के लिए हम विविध माध्यमों का उपयोग करते हैं, जैसे कि एक प्रोग्राम हम संस्थान से चलाया है ई कपास कम्युनिकेशन, जिसमें संस्थान ने ये टेक्नोलॉजी नेटवर्क डेवलप किया है कि किस जो कपास के किसान हैं उनके मोबाइल नंबर हमने अपने सिस्टम में रजिस्टर किए गए हैं और उनको वॉइस मैसेजेस देते हैं। जब कपास की जो फसल खेत में होती है तो उसमें कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है, कुछ कीटक आते हैं, तो उसकी जो एडवाइसरीज है, हम वीकली एडवाइसरीज हर स्टेट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और किसानों तक पहुँचाते हैं। करीब 400,000 किसान ये सिस्टम में हमारे रजिस्टर्ड है। दूसरा है कि हमारा जो मेरा गांव मेरा गौरव, जो पंत प्रधान जी ने शुरू किया था 2015 में, उस इसमें हमने कुछ 65 विलेजेस है हमारे अडॉप्ट किए गए हैं और हमारे 4 से 5 का जो ग्रुप है क्लस्टर्स में, ऐसे 5 गांव के क्लस्टर्स में हमारे 4 से 5 साइंटिस्ट असाइंड है और वो वहाँ जाते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, उनकी जो भी समस्या होती है उसका हल बताते हैं और किसानों के खेत में हम डेमोंस्ट्रेशंस भी लेते हैं और हमारी जो उन्नत तकनीकियाँ है वो उनको बताते हैं, जिसके हिसाब से अगर वो खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होता है। संस्थान के पास और एक दो स्कीम्स है कि जो ट्राइबल सप्लान, उसके अंतर्गत ट्राइबल्स फार्मर्स जो है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और जो कुछ इनपुट्स देके उनके खेत पे डेमोंस्ट्रेशंस करके उनको समझाने की कोशिश करती है कि ये उन्नत जो टेक्नोलॉजी है इसके इस्तेमाल से उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। आप जानते हैं कि 2015 में गुजरात में गुलाबी बोंडअली
इसका प्रकोप हुआ था और 2017 में महाराष्ट्र में भी इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया और उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमें ये जो IRM प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत हमने 21 जिले चुने हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कपास लगाई जाती है और इस साल हम ये 8 राज्यों में कार्यान्वित किए हैं ये प्रोग्राम को, और हर डिस्ट्रिक्ट से 50 किसान आइडेंटिफाई करके उनके खेतों में हमने डेमोंस्ट्रेशंस दिए हैं कि ये जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो तकनीकी है IRM है, वो ये तकनीकियाँ उपयोग करके इन 3 बोलवर्म को, गुलाबी बोंड अली का जो प्रकोप है, कितना हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो हमने प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया है। पिछले साल करीब 70% ये जो गुलाबी बोंड अली का प्रकोप कम होने में हमें ये प्रोजेक्ट में सहायता मिली थी। नई टेक्नोलॉजी, अभी हम देखते हैं कि कपास में पहले अमेरिकन बोंड अली है, इसका प्रकोप ज़्यादा होता था, इसके लिए BT टेक्नोलॉजी आया, BT काटन आया 2002 में भारत में, उसकी का जो कल्टीवेशन शुरू हुआ, और आज हम देखते हैं कि 2019 करीब 17-18 साल के बाद भी मतलब वो तकनीकी अभी भी काम कर रही है। तो वो तकनीकी हमारे भारत में प्राइवेट सीड कंपनीज हाइब्रिड के रूप में किसानों को देती है। ये हाइब्रिड का सीड हर साल किसानों को खरीदना पड़ता है। तो 2017 में हमारे संस्थान ने करीब 7 जो वेराइटीज़ है ये BT वेराइटीज़ आइडेंटिफाई की है और रिलीज़ किए है 2019 में, और 2 नई वेराइटीज़ डेवलप की है। तो ये जो वेराइटीज़ अगर हमारे किसान लगाते हैं तो उनको हर साल नया सीड परचेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये खुद अपना सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं और कम से कम 2-3 साल ये सीड अपना यूज़ कर सकते हैं। हर साल उनको मार्केट से हाइब्रिड की तरह नया सीड परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका ये भी फायदा है, अपना सीड होने की वजह से अगर ज़्यादा मात्रा में लगे और ज़्यादा पॉपुलेशन ये लगा सकते हैं, जो हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम कहते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम में ये होता है कि एक हेक्टर में 1,00,000 के ऊपर हम जो पौधे हैं वो लगा सकते हैं, और इसका हमारा जो उत्पादन है उसका बढ़ाने में काफ़ी उसका फ़ायदा होता है। हाइब्रिड के करीब अगर हम वाइड स्पेसिंग में लगाते हैं तो 17,000 से 20,000 झाड़ी होते हैं। अगर हम 1,00,000 झाड़ लगाते हैं, चाहे उसमें नंबर ऑफ बोल्स कम हो, लेकिन ज़्यादा प्लांट्स होने की वजह से हमें हाइब्रिड से भी ज़्यादा उत्पादन मिलता है, और ये हमने फार्मर्स के खेतों में और अपने संस्थान के रिसर्च फील्ड में भी हमने ये डेमोंस्ट्रेट किया है कि हमारी जो वेराइटीज़ है इसका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो हाइब्रिड से भी ज़्यादा आता है अगर हम उसका जो हमारी टेक्नोलॉजी सही ढंग से इस्तेमाल करें। कलर काटन के ऊपर संस्थान काफ़ी सालों से काम कर रही है। हमने 1996 से एक प्रोजेक्ट हमें मिला था और उस पर हमने संशोधन किया था। करीब 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे साथ ये संशोधन में जुड़ी थी, जिसके तहत कुछ मटेरियल डेवलप किया गया, लेकिन कुछ कारणवश, क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस है रंगीत कपास के, क्योंकि वाइट कपास में वो मिक्स होता है, कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं, सीड भी कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं, उसके वजह से बढ़ोतरी नहीं हो पाई। लेकिन आज जो हमारा जो कंज्यूमर है वो रंगीत कपास के बारे में जागरूक दिखने लगा है। इस वजह से हमने जो एक लाइन हमने डेवलप की थी MSH 53 वैदेही के नाम से, जो हमें नेशनल जीन बैंक में रजिस्टर भी किया था, उसका कलर काफ़ी स्टेबल है, उसका फाइबर जो लंबाई है, धागे की लंबाई उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी 22 से 23 हो 24 mm है, और स्ट्रेंथ भी ठीक है, उसकी वजह से वो स्पिनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइन का कलर भी ब्राउन है और स्टेबल है, अगर हम प्रकाश को एक्सपोज होता है सनलाइट को
तो भी इसका कलर जाता नहीं, और रिपीटेड वॉशिंग के बाद भी वो कलर और ज़्यादा मजबूत होता है, वो जाता नहीं। ये कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमने पीकेवी पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला इनके माध्यम से इसका सीड प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन कलर काटन का बढ़ाने के उद्देश्य से, और सिरकाट हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन काटन टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई, इनके सौजन्य से ये ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट किए हैं। हम सीड पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला को प्रोडक्शन के लिए देते हैं, और वहाँ का जो प्रोडक्शन जो रुई मिलेगा, लिंट मिलेगा, उससे हम कपड़ा बना रहे हैं। तो ये जैकेट हमने डेवलप किया है कलर काटन का, और उसकी बहुत डिमांड है। करीब एक जैकेट मार्केट में उसका प्राइस 3000 के ऊपर जा रहा है। तो इसकी मांग को देखते हुए हम ये इसका प्रोडक्शन एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे भी हम बढ़ाना चाहते हैं, और हम देसी कपास की भी कुछ वेराइटीज़ आइडेंटिफाई रिलीज़ किए हैं। CNA 1003 रोजा के नाम से एक ये हाई यील्डिंग आर्बोरियम वेराइटी है, जिसकी जो उत्पादन क्षमता 30 क्विंटल प्रति हेक्टर के ऊपर है। पिछले साल 2019 में CNA 1028 रवि के नाम से एक हमारी वेराइटी देसी कपास में विकसित की गई। इसकी उत्पादन क्षमता हमने करीब 46 क्विंटल हमने देखी है पर हेक्टर। और कुछ हमारे ऐसे कल्चर्स है कि जो अभी पाइपलाइन में है। इस साल एक हम एग्रोनॉमी ट्रायल लिया है, उसमें भी करीब 42 क्विंटल तक हमें वो देसी कपास की केवान में वैरायटी में उसकी उपज की क्षमता हम दिख पड़ी है।